राजधानी पटना के मरीन ड्राइव और अटल पथ पर लहरिया कट बाइक चलाने वाले बाइकर्स की अब खैर नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस अब लहरिया कट बाइकर्स पर शिकंजा कसने जा रही है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मरीन ड्राइव पर लहरिया कट बाइक चलाते पकड़े जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना तय हो चुका है। इतना ही नहीं, जुर्माना लेने के बाद भी बाइक को छोड़ा नहीं जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक पकड़े जाने के बाद बच्चे से बोला जाएगा कि आप अपने माता पिता को फोन करके मरीन ड्राइव के पास बुलाएं। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन जिलाधिकारी बच्चे के हरकत के बारे में जानकारी देंगे। उन्हें बताया जाएगा कि बच्चे को अभी बाइक ना दें। इसके साथ ही बच्चे अगर जुर्माना देने में असमर्थ हैं तो माता पिता को जुर्माना देना होगा। वहीं अगर इससे अधिक उम्र के लोग पकड़े गए तो कई तरह से जुर्माना देना होगा। मरीन ड्राइव और अटल पथ पर लहरिया कट बाइक चलाने वाले को 20,000 से 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिकारी के मुताबिक बाइकर्स का पहले लाइसेंस जांच किया जाएगा। अगर लाइसेंस नहीं रहा तो 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कई धाराएं भी लग सकती हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 20,000 तक जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर जो लाइसेंसधारी होंगे तो लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया जाएगा। दरअसल लहरिया बाइकर्स से होने वाले हादसे को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक डीएसपी वाहनों की जांच कर रहे थे। अब डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी खुद मरीन ड्राइव और अटल पथ पर लहरिया कट बाइकर्स को देखेंगे और उन्हें पकड़ेंगे भी। डीटीओ के प्रत्येक सप्ताह में एक दिन औचक जांच किया जाएगा। इसके लिए दो टीमें होंगी, एक अटल पथ पर, दूसरा मरीन ड्राइव पर टीम जाँच करेगी। वही लोकनायक गंगा पथ पर सीसीटीवी कैमरे से लहरिया कट बाइक चलाने वाले बाइकर्स पर नजर होगी। वहां तैनात पुलिस के जवानों को चकमा देकर कोई भी भाग नहीं पाएगा क्योंकि कमांड सेंटर से ही उन पर नजर रहेगी। गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के हिस्से को कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया है। 7.50 किलोमीटर में 110 कैमरे लगाए जाएंगे। अभी तीन तरह के 43 कैमरे लगाकर ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दिसंबर आखिरी तक ICCC पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। दरअसल गंगा पथ पर भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। एसएसपी कार्यालय परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। फिलहाल गंगा पथ पे पुलिस कार्यालय और डाक बंगला चौराहा समेत कुल 70 स्थानों पर 170 कैमरे लगाए गए हैं। कुल 2500 कैमरे लगाए जाने हैं। इनमें 1244 सर्विलांस कैमरे शामिल हैं। अभी 220 किलोमीटर में से करीब 43 किलोमीटर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा सका है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में फरवरी 2023 तक का वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2021 में परियोजना का शिलान्यास किया था और इसे 15 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दे दिया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर और सतर्कता वाली खबर कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोगों को सतर्क करने वाली ये खबर है, उन युवाओं को खासतौर पर जो बाइक लेकर घर से निकलते हैं और सड़क पर हीरोगिरी दिखाते हैं, तो उनका ये हीरोगिरी अब भारी पड़ सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।